आप देखते हैं सबसे ज्यादा लंबा बाजा कौन बजाता है, ठीक है तुम बजाते हो, मैं बजाती हूँ। 1 2 3 अब मेरी बारी। यार मेरा थोड़ा कम हो, तुम्हारा कम है, मेरा ज्यादा था ना, मेरा ज्यादा था ना। अच्छा मुझे बताओ आप लोगों ने बाजा बजाया, आप लोगों ने बाजा बजाया, जो मजा ज्यादा कैसे बाजा बजाने का वो कहीं भी नहीं है। Round two. पहले हवा को अंदर खींचे पेट में, देखो वन मिनट। अच्छा मैंने ऐसे झूठी बोला था, इसे वाकई सांस खींचा है, ये इधर बहुत ज्यादा रश है, और देख वो मोटरसाइकिल का। आजादी मुबारक भाई हो, आजादी मुबारक। यार इतना रश है, इतना रश है, आज पर चला है, मतलब इतना रश मैंने ईद पे भी देखा ना। कही यार बात तो कर दे, किसी ओकेजन में नहीं देखा जितना रश आज है। मैं आज पता लगा क्या मजाक में, तो जाहिर सी बात है हम तो जा रहे हैं उसके पास चलना है, हम आजाद हुए, जाहिर सी बात अपनी खुशी मनाने आए, आप लोगों की तरह नहीं है, सब लोग जिंदा। कौन को जगाने के लिए रखा हुआ, वो कौन सोई हुई ना, वो कौन सोई हुई ना, ये बातें इसलिए बनाए गए हैं, जो कौन सो चुकी है ना उसको बजा बजा के जगाया जाए कि उठो उठो तुम्हारा पाकिस्तान बन गया। हथौड़ा चाहिए इतना सा बाजा लेके जा रहा तो चलो चले आप अगले, यहाँ पे ना बहुत सारे मॉडल बनाए हुए हैं, ठीक है आपको हम दिखाते हैं इनके मॉडल, अगले दिन हम मिलेंगे और हम ऐसे ही ना हो वो बिल्डिंग क्या कर ली अभी से, ये सारे कि मुझे हाल लगा के चले गए, इतनी तरसी हुई कौम है, अस्तगफिरुल्लाह 14 अगस्त हो गई, मतलब आजादी के दिन में इनको सुकून नहीं है, ये कौम है जिसके लिए कायदे आजम ने आजादी दिलवाई थी, छिछोरे कही के तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। अब मैं बताती हूँ ये बिल्डिंग किसकी है, ये है घंटा घर और ये है फैसलाबाद का, और ये मुल्तान DHA में इसका मॉडल लगाया गया है जो कि हूबहू वैसा ही है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँ, जो घंटा घर फैसलाबाद में है वो अंग्रेजों ने बनाया ताकि पूरा जो उनका फैसलाबाद है इससे टाइम देख सके, ठीक है टाइम, घंटा घर उसको कहते हैं घंटा घंटा, हाँ क्लॉक। ये देखे कुछ मन चले और दिल चले जो है ना वो डांस कर कर के वीडियो बना रहे हैं। और ये कौन सी जगह है पाकिस्तान की, किस चीज का, ये बाबे खैबर ठीक है, ये देखें डांस कर रहे हैं, ओ मैं मर जा। ये जो पीछे मॉडल नजर आ रहे हैं वो फैसल मस्जिद का है जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है, जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है, बहुत ही प्यारा मॉडल है। और मैंने देखी हुई है फैसल मस्जिद, बिल्कुल हूबहू मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको छोटा कर दिया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मॉडल बनाया है DHA वालों ने, कमाल है, ऐसा तो है ही कमाल, ठीक है जी। और रश इतना है रेडियो पे, गाड़ियों पे, बाइक पे, रिक्शों पे, हर चीज़ पे जो है लोग आ रहे हैं और पूरी की पूरी आज़ादी को पुरजोश तरीके से मना रहे हैं, ठीक है। ये देखें कितनी खूबसूरत, माशाल्लाह मैंने कहा दोबारा से टेक लो इसी का, मस्जिद का बहुत ही कमाल जो है ना वो मॉडल बनाया है। तो अब हम आगे मीनारे पाकिस्तान में जो कि DHA में मौजूद है, ये भी एक मॉडल बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत मॉडल बनाया गया है। हाँ लेकिन ये मॉडल थोड़ा छोटा बनाया गया है, मतलब इसको थोड़ा और लंबा कर देते तो ज़रा अच्छा ये मॉडल लगता, बट नो डाउट बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का है। लो चेक करें, माशाल्लाह थोड़ी गाड़ी तेज चलाओ ना, कितने लोग आए हुए हैं, ओहो माशाल्लाह बाजे फुल बजा रहे हैं, ये देखिए डायनासोर के ऊपर भी चढ़ के बैठे हुए हैं ये बच्चे हैं, ओ एक तो ऊपर टॉप पे बैठा, एक टॉप पे चढ़ के बैठा हुआ है यार, ये है आवाम चेक करें, आवाम दूसरी तरफ भी ऐसी आवाम है,
ये जू के पास बाहर ही खड़े हैं, जो अंदर ही जा गए वो बाहर खड़े हैं गर्मी की वजह से। तो मेरे पीछे मज़ार कायद है, वो कायद आजम जिनकी बदौलत हमें एक आज़ाद मुल्क मिला और आज़ाद मुल्क में हम सांस ले रहे हैं। तो ये हमारा हमारे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार है और ये बॉर्डर भी बहुत अच्छा बनाया गया है, बहुत ही सबसे ज़्यादा अच्छा जो मॉडल जो मुझे लगा वो मज़ार कायद आजम का है और बहुत ही खूबसूरत है। इस मतलब मुल्तान में जो DHA में मॉडल बने वो सारे ख़त्म हो चुके हैं और हमें आज बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, अब हम खाने की तलाश में जा रहे हैं। दुआ कीजिएगा, घर में तो जाएंगे नहीं, तो दुआ कीजिएगा कि रोडों पर इतना रश ना और ट्रैफिक जैम ना ताकि हम खा रहे हैं, हम बहुत भूख लगी है कसम से। रश चेक करो, अभी भी 12 बज गए रात के लेकिन फिर भी रश बहुत ज़्यादा है। ये मेन इंट्रेंस है हमारे DHA का और माशाल्लाह से आवाम जो है ना अभी भी बहुत ज़्यादा, अभी कुछ कम हुआ है रश। आओ हम लौट चले जा रहे हैं अपने अपने घरों में बेचारे, 12 बज गए ना, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ख़त्म हो गई और टाटा बाटा मैंने भी आपको सब चीज़ें दिखा दी है, अब मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी, मैं भी जा रही हूँ। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर अच्छे से कमेंट करना, सब्सक्राइब करना हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना। और मेरी तरफ से हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे दोस्त मुल्क जो है इंडिया, उनको भी आज़ादी मुबारक हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।